हैदराबाद ने मुंबई को 31 रनों से हराया, मैच में बने 523 रन। आईपीएल 2024 के आठवें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 277 रनों का रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाया था। जवाब में मुंबई की टीम 246 रन ही बना सकी और हैदराबाद को 31 रनों से जीत मिली। हालांकि मुंबई के बल्लेबाजों ने मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर हैदराबाद को बड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में जीत सनराइजर्स हैदराबाद के नाम ही रही। आपको बता दें कि इस मैच में कुल 523 रन बने, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैच में कुल 38 छक्के लगे थे, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हैदराबाद की जीत सनराइजर्स हैदराबाद की जीत उसके बल्लेबाजों ने तय की है। हेनरी क्लासेन ने सबसे ज़्यादा 34 गेंदों में नाबाद 80 रन बनाए। क्लासेन के बल्ले से 7 छक्के निकले। अभिषेक शर्मा ने 23 गेंदों में 63 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने भी 7 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों में 62 रन ठोके। इसके अलावा एडन मार्करम ने नाबाद 42 रन बनाए। मुंबई के बल्लेबाजों का प्रदर्शन, मुंबई के बल्लेबाजों ने भी बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर अपना दम दिखाया। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। टिम डेविड ने भी नाबाद 42 रन बनाए। ईशान किशन ने 13 गेंदों में 34 और नमन धीर ने 14 गेंदों में 30 रन बनाकर हैदराबाद को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की धीमी पारी टीम पर भारी पड़ गई। पांड्या ने सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाए। गेंदबाजों को बुरा हाल, मुंबई और हैदराबाद के मुकाबले में गेंदबाजों को बुरा हाल रहा। 4 ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने 50,000 रन लौटा दिए। सबसे ज्यादा पिटाई क्वेना मफाका की हुई, जिन्होंने 4 ओवर में 66 रन लौटा दिए। गेराल्ड काचिया ने 4 ओवर में 57 रन लौटा दिए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 53 रन दिए। वहीं मयंक मार्कंडेय ने 4 ओवर में 52 रन खर्च किए। मुंबई की हालत खराब, मुंबई इंडियंस ने लगातार दूसरी हार झेली है और इसकी वजह से वो अंक तालिका में 9वें नंबर पर लुढ़क चुकी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रनों से जीत हासिल कर अपना नेट रन रेट सुधारा है और वो अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।